गुरुग्राम सेक्टर IJM टोयोटा शोरूम ने आज अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर ग्राहकों को 51 कारों की डिलीवरी की घोषणा की गई थी, जहां पर आज हमारी द ग्राउंड न्यूज की टीम पहुंची और वहां के टीम मेंबर्स और कस्टमर से बात करके उनके टोयोटा से जुड़े अनुभव के बारे में जानने की कोशिश की। साथ ही टोयोटा की स्पेशल कार और कार के स्पेशल फीचर्स के बारे में बात की गई। आइए दिखाते हैं हम आपको हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। इसमें मैम ये होता है, जैसे अगर आप ड्राइवर है और साथ में कोई और है, किसी को अपना AC अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे ड्राइवर को अगर गर्मी लग रही है तो वो अपना टेम्परेचर 18 पे सेट कर सकता है। अब पैसेंजर है, पैसेंजर को नहीं चाहिए उतना ठंडा नहीं चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उसको 24 पे सेट कर सकता है। जो वो जो वेंट्स हैं, दो AC वेंट्स, उनके अंदर 24 के हिसाब से मतलब टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग आएगी और इसमें 18 के हिसाब से आएगी, तो अपना अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो और कुछ स्पेशल इस कार में? और मैम इसकी मेन जो है वो 4x4 कैपेबिलिटीज़ हैं। ये गाड़ी आपको किसी भी कंडीशन में आप चला सकते हो, रोड्स हैं रोड्स नहीं हैं, और किसी भी टाइप की आप उसमें लेके जा सकते हैं इस गाड़ी को। बाकी इसका जो हाइलक्स का नाम है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, काफ़ी डिकेड से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस कार है। इंडिया के अंदर अभी आई है, इंडिया में अभी लॉन्च हुई है उससे। बाकी अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी सालों से, मतलब 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी नोन गाड़ी है अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपनी उसके लिए काफ़ी नोन है। okay. कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार है, इसमें कभी कुछ नहीं होता। इस अपने इंजन के लिए काफ़ी फेमस है। इसकी अगर आप ऐड भी देखेंगे तो ऐड में भी यही शो करते हैं कि गाड़ी कहीं से भी गिर जाती है, कहीं से भी इसके ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है, सब हो जाता है, लेकिन इंजन फिर भी स्टार्ट हो जाता है। वो ये शो करने के लिए है कि गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। IJM टोयोटा आया और आपने गाड़ी की डिलीवरी कराई, तो इस बारे में बताएं कि लोग टोयोटा पर ही क्यों विश्वास कर रहे हैं? सर, टोयोटा पर विश्वास करने के ना बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो मैं खुद ही टोयोटा यूज़र हूँ, मेरे पास इनकी लेजेंडर भी है, मेरे पास इनकी फॉर्च्यूनर भी है, बहुत सालों से हम चला रहे हैं। मेंटेनेंस बहुत कम है, गाड़ी कहीं पर धोखा नहीं देती है आपको, मतलब बहुत रिलायबल व्हीकल है। पैसा खर्च करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर बात की जाए फॉर्च्यूनर या कुछ ब्रांडेड ऐसे हैं जो पहाड़ों की रानी कहा जाता है, और मैं टोयोटा से सफर समय कैसे कहा जाएगा? टोयोटा ही रानी है, क्योंकि आप चाहे कैसे भी रोड पे से ले जाइए, आपको रोड देखने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के साथ। 4x4 में वैसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम कि खरीदनी चाहिए, बहुत जगह पर बहुत अमेजिंग कार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये। आपकी जो फेवरेट कार है टोयोटा की वो कौन सी? फॉर्च्यूनर। देखिए फीचर्स तो टोयोटा ज़्यादा देता नहीं है, वो कहता है कि नॉनसेंस फीचर कार बोला जाता है उनकी गाड़ियों को, कि हम ऐसी कोई भी चीज़ देंगे नहीं गाड़ी में जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाए। जैसे आपको फॉर्च्यूनर के अंदर सनरूफ वगैरह नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर कभी कुछ ख़राब होगा तो पैसा बहुत मांगेगी गाड़ी, तो ऐसी कोई चीज़ें ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन जो मेन हमें चीज़ चाहिए ना, एज अ फैमिली को कहीं लेके जाते हैं, या मैं ड्राइवर की तरह बात करूँ कि आप कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे फैमिली के साथ, बिना टेंशन के वो गाड़ी उठा के आप कितने भी किलोमीटर्स की ड्राइव पर जा सकते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस है टोयोटा के साथ, मतलब काफ़ी सालों से होगा, कैसा रहा है? मेरे पास पहले भी फॉर्च्यूनर थी जिसे मैंने 8 साल चला के बेचा, उसके बाद मैंने फिर फॉर्च्यूनर खरीदी जिसको अराउंड 7 साल हो चुके हैं, और अभी मैंने 2 साल पहले अपने भाई को लेजेंडर गिफ्ट किया है। तो मैं बहुत ख़तरनाक वाली टोयोटा लवर हूँ, एंड फॉर्च्यूनर मेरा फेवरेट ब्रांड है। नवरात्र का पहला दिन है। हाँ जी, आप टोयोटा लवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बिना टेंशन की कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, गो फॉर टोयोटा। अगर आपका बजट थोड़ा कम आपको अलाउ करता है, तब भी इनकी ग्लांजा हो गई, हाई राइडर हो गई, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, इनोवा हो गई, और अगर अच्छा खासा पैसा खर्च करने के मूड में है तो लेजेंडर को डेफिनेटली खरीदिए, बहुत परफेक्ट चॉइस मैं बोलूँगी उसे। मेरा नाम धीरज ग्रोवर। धीरज जी, आपने टोयोटा पे जो विश्वास जताया उस बारे में विश्वास है? टोयोटा पे विश्वास तो सबका ही है, तो मैंने भी थोड़ा सा दिखा दिया, तभी हमने एक दो तीन टोयोटा ले लिए करके। तो बस अच्छा, आज आप इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो है 3 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि नवरात्रि शुरू नहीं हो रहे थे, ठीक है। तब से एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रोका हुआ था, तो आज फर्स्ट डे था तो मिली गाड़ी, एंड टाइमली डिलीवरी, ऑल थैंक्स टू टोयोटा IJM, दैट्स इट, थैंक यू। टोयोटा का आपने ये जो मॉडल चुना है, इस बारे में थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं विस्तार। अभी तक तो सब सुना ही, अब एक्सपीरियंस करेंगे तो तब अच्छे से विस्तार में बता पाएंगे। अब अगर कहें तो इंडिया में ऑलमोस्ट इकलौती पिकअप ट्रक है, क्या सो
एंड इसकी हिस्ट्री विस्ट्री देख के हमने वही करके डिसाइड करा था। लाइफ स्टाइल व्हीकल एंड मोर ऑफ अ लाइफ टाइम व्हीकल ऑल्सो, इट विल बी विद अस फॉर एवर। तो दैट्स इट, थैंक यू सर। आज पहला नवरात्रा है जी, और हम बात करें टोयोटा आईजीएम मोटर्स की, तो एक सेल में बंपर उछाल आया, इसे क्या कहेंगे आप और कैसे देखा जाएगा? सर, आईजीएम टोयोटा की शुरुआत करी थी पिछले साल 23 अक्टूबर को, दिवाली से एक दिन पहले, और आज हम ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट कर चुके हैं अपना, मतलब होने वाला है एक हफ्ते के अंदर, तो पहला नवरात्रा है इसलिए हम एक मैसिव सेलिब्रेशन के साथ में पहले नवरात्रे को सेलिब्रेट कर रहे हैं 51 गाड़ियों की डिलीवरी करके। टोयोटा की मल्टीपल गाड़ियों के ब्रांड हैं, जैसे प्रोडक्ट आते हैं जैसे फॉर्चुनर्स हैं, ग्लेंजा है, हाइलक्स है, इनोवा हाईक्रॉस है, क्रिस्टा है, केमरी है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके कस्टमर बहुत बड़े फ़ैन हैं, और उनको गाड़ियां डिलीवरी जो होती है वो ऑस्पिशियस डे के हिसाब से पहले नवरात्रे पे इच्छा होती है कि पहले उस पर लें। तो पीछे कई दिनों से लोग वेट कर रहे थे, तो हमने एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया है रेड कारपेट डिलीवरी के साथ में, सारी की सारी 51 गाड़ियों की डिलीवरी तैयार करी है, गाड़ियों को अच्छे से सजाया है और लोग खुशी से घर जा रहे हैं। सर, टोयोटा पे लोग विश्वास भी जताते हैं और आज का जो दिन था आपने खास चुना जी, अगर हम बात करें एक साल का सफ़र कैसा रहा? सर, एक साल का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत सारी खुशियां प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं गुड़गांव में राइट ऑन सोना रोड, यहाँ पे आसपास एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कंपनी अपने आप में भी सपोर्ट कर रही है और कस्टमर्स के लिए जो जगह है, लोकेशन चुनी है कंपनी ने, वो बहुत प्यारी है। यहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस है, ग्रीन एरिया है, वेल कंस्ट्रक्टेड है, जितना भी यहाँ पे कस्टमर वॉक इन आता है करके, वो सब आसपास की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहने वाले या अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, जिनसे मिलके हमें भी अच्छा लगता है, उनको हमसे प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल सर, बहुत अच्छी जर्नी चल रही है अभी। अच्छा गाइड किया। क्या नाम है सर आपका? शिरायू, आपने टोयोटा पे विश्वास जताया, थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताइए। पहले हमारे पास इनोवा थी यार, आई थिंक बेस्ट इंजन है, मतलब 2-3 लाख किलोमीटर तक तो कुछ होता नहीं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपने नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये गाड़ी खरीदी, आपको कैसा फील हुआ? काफ़ी अच्छा लग रहा है, भगवान की बहुत कृपा है, आई एम रियली हैप्पी, और अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। सर, इस गाड़ी के फीचर की खासियत क्या है? जो यार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, टोयोटा आई थिंक वर्ल्ड लीडर है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, तो हाइब्रिड लेनी है तो टोयोटा सबसे बेस्ट है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि कैसे कस्टमर्स ने अपने टोयोटा से जुड़े अनुभव को हमारे साथ साझा किया, साथ ही नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर शोरूम की पहली वर्षगांठ को खुशी से अपने स्पेशल कस्टमर्स के साथ सेलिब्रेट किया। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ग्राउंड न्यूज़।